लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जनाबी वाला जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई मुख्तसर सा मैं बयान करना चाहूंगा। दुनिया के अंदर जनाबे वाला दो चीजों से आपने बचना है, एक झूठी शोहरत से और दूसरा माल और दौलत से। ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो दो ये चीजें ना चाहता हो। हर शख्स चाहता है कि मुझे कुछ शोहरत मिले और बड़ी शोहरत मिले और मैं मशहूर हो जाऊं। दूसरा ये कि इंसान ये चाहता है कि उसके पास दौलत की फरावानी हो। इसके बारे में मैं हदीस मुबारक पढ़ रहा था, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दौलत की दुआ मत करो, ये तो इंसान को बर्बाद करके रख देती है। लेकिन हस्बे तौफीक जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को तगोदो करनी चाहिए, जरिया मुआश करना चाहिए। आप वो सूरत जुमा की आयत पढ़े ना, उसमें फरमाता है इज़ानूदी अली सलाती मैं में जुमा फसो इला, यानी कि जब अजान दे दी जाए तो जुमे की तरफ आओ। उसकी आखिरी आयत, इसी आयत के आखिरी में अल्लाह फरमाता है जब तुम जुमा पढ़ के फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी कि रिजक के लिए, मुआश के लिए आप जाओ। लेकिन ऐसी दौलत कि इंसान उसकी हवस पे हवस, हवस पे हवस पैदा करे, इंतहाई गुनाह है। और इसके मुतालिक सूरत तकासुर में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अल्हाक मुत्तकासुर, और तुम्हें ये माल दौलत और ये जो पैसा हाय पैसा, ये तुम्हें कहां तक खींच के ले आई है? हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के तुम खबर तक आ चुके हो। यानी कि आप ये देखें, कोई भी शख्स कब्रिस्तान में उठा के पूछे जनाब क्या मरना चाहते थे, वो कहेगा नहीं जनाब मेरी तो जॉब थी, मेरा तो ये था, मेरे बच्चों का क्या हाल है, फलाना क्या फलाना क्या। यानी कि हर शख्स दौलत के नशे में गर्क है और वो शोहरत के, सस्ती शोहरत के जो है वो उसके पीछे लगा हुआ है। और मुझे नहीं समझ आती कि इंसान किस तरफ जाना चाह रहा है। आप आजकल जो वो जमीर जाफरी साहब है, ये इनके आप क्या समझते हैं, ये उलमाए किराम है, ये नासिर मदनी जो टीवी चैनल पे आके बैठा हुआ है, कुछ अर्सा पहले ये लान तान कर रहा था। मैं तो आज भी टीवी चैनल को बुरा नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ वहां पर जो चीजें दिखाई जा रही दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्तगी की जरूरत है। वहां पर अच्छी चीजें दिखाई जाए तो तुलबा के लिए एजुकेशनल हो, जो बच्चों के जहनी सतह को जो मजबूत करे, कोई अच्छा बनने की कोशिश करे, सिवाय वहां पर खेल। अब ये दो बंदे जो हैं मेरे नजदीक वो सिवाय कार्टूनों के और कुछ भी नहीं है। इनका कितना मजाक उड़ाया गया, मजाक ये खुद उड़ा रहे हैं। मिंबर रसूल पे बैठ के नासिर मदनी साहब जो है वो तमाशे, वो जानू मानू, व्हाट इज दिस, इज दैट योर दीन? आप ये दीन बयान करेंगे मेंबर रसूल पे बैठकर, ये जानू मानू करेंगे? और फिर जाफरी साहब की सुन लो, वो जबीर जाफरी साहब की, जो मेंबर पे बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, क्यों किया है? क्योंकि शोहरत चाहते हैं। अब ये चैनल वाले भी क्या करते हैं, इनकी भी मजबूरी होती है, इनको रेटिंग की जरूरत होती है, वो ये क्या करते हैं, इन जैसे लतीफों को, इन जैसे जो है वो फनी पर्सन को उठा के ले आते हैं और ये फिर हमें बैठ जाते हैं दीन सिखाने के लिए। मेरा भाई दीन बिल्कुल वाजे है, अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों के मुतल्लिक, ये अल्लाह के बंदों में शुमार नहीं होते जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, मिंबर रसूल पर बैठ के लतीफे सुनाते हैं और मिंबर रसूल पर बैठ के लोगों का तमस्कर उड़ाते हैं। आप इन लोगों से आप दीन सीखेंगे? कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक तआला ने शाह फरमाया वा इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्दी हौला वा इज़ा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, मेरे बंदे तो जमीन पे आजी से चलते हैं, वो तो इनके सारी से चलते हैं, वो तो अकड़ नहीं करते। बल्कि जब जुहला मुखातिब होते हैं उनसे, जाहिल मुखातिब होते हैं, वो कहते हैं कालू सलामत, तुम्हें सलाम हो। अब अगर आप ये उलमाए दीन हैं, ये अगर उलमाए किराम हैं, तो खुदा का वास्ते अपनी मनसब को संभालें जनाब, अपनी सीट को संभालें। सस्ती शोहरत के लिए, इस दौलत के नशे के लिए कि एक चैनल जो है वो मैं 1 लाख रुपए दे रहा तो दूसरा 2 लाख दे रहा है, इस चैनल को छोड़ के उधर चले जाते हैं, उस चैनल को छोड़ के उधर चले जाते हैं, तो ये कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तो ये दीन के मामले में जो सस्ते दामों जो बेचते हैं उनका क्या हशर होगा, ये तो आखिरत वाले दिन पता चलेगा। मेरी अपने स्टूडेंट से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने दोस्तों से ये दरखास्त है, दौलत कमाना, रिजक माश कमाना कोई गुनाह नहीं है भाई, ये तो इबादत है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसको तरीकाकार आप क्या अख्तियार कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा के, फिर सस्ती शोहरत लेके आप टीवी चैनल्स पे बैठ के वहां पर भी तमस्कर कर रहे हैं। और जमीर जाफरी साहब के तो परसों मैंने एक वीडियो देखी जो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि जनाबे सदीक अकबर का और अम्मा आयशा का जिक्र है, फौरन उठ के वहां से चले गए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि चले गए, बाद में बकायदा उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया कि हमने तबर्रा किया है, हमारा तबर्रा करने का ये अंदाज है। खुदा का खौफ खाएं, छोड़ दें इन लोगों को, इनका खाता छोड़ दें। वो सहाबी रसूल थे, वो चले गए इस दुनिया से, रदी अल्लाह अन्हुम वरदू हो चुके, अल्लाह उनसे राजी हो चुका। मैं और अब आप कौन से तबर्रा करने के लिए बैठ गए हैं?
और ये हजूर ने ये इरशाद फरमाया। अभी हदीस मुबारक अभी कुछ देर पहले मैंने उसका मुताला किया, सरकार ने फरमाया कि पहली ये अब आने वाला है कि जो दौर क्या होगा कि जो लोग होंगे पिछले लाइक हम जो लोग होंगे ये अपने पुराने लोगों के ऊपर हम क्या करेंगे, तानबाजी करेंगे, उनके ऊपर लान तान करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। हमें ये किसने इख्तियार दिया हम सहाबाए किराम की जिंदगी को खोल के बैठ जाए? उन्होंने जो ईमान इख्तियार किया हमारे पास उस ईमान की धूल भी नहीं है। लिहाजा दो चीजों से मेरा भाई, जब दौलत का नशा आ जाए और शोहरत का नशा आ जाए फिर इंसान को ये नहीं पता लगता वो क्या बयान कर रहा है और उसको क्या बयान करना है, फिर वो उसी के मुताबिक चलता है जिससे उसको शोहरत मिलती है, जिससे वो वही लतीफे सुनाएगा, वही फनकारियां सुनाएगा जिससे उसको शोहरत मिलेगी। बराए मेहरबानी दीन उन लोगों से सीखे जो सिंसियर है, जिनको कम से कम पैसे का कोई लालच नहीं है, जिनको कम से कम सस्ती शोहरत का कोई लालच नहीं है। हम यहां पर एक चैनल बना के बैठे हैं और मेरी ये जाती कोशिश ये है, अर्निंग शर्निंग का मेरे जहन में फिलहाल तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरे जहन में सिर्फ ये है कि इस चैनल के तवासुस से मैं आप लोगों तक हकायक पहुंचाऊं, दीन की सही मालूमात पहुंचाऊं, और मेरा पहला हदफ कुरान मजीद होता है कि कुरान मजीद से सही मालूमात इकट्ठी की जाए। सही से मुराद ये है कि जो हमारे लिए बशर राह है, और कुरान मजीद की एक आयत भी अगर आप उठा लें, कोई ऐसी आयत नहीं है कुरान मजीद की कि जो हमारे लिए मशरे राह ना हो। जब हमारे पास कुरान जैसी किताब पढ़ी है, हदीस जैसी किताब हमारे पास पढ़ी है, हम इन लतीफों के पास करने क्या जाते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आती इन सस्ती शोहरत वालों के पास हम जाते क्यों हैं? जो कभी वो मुफ्ती साहब आ जाते हैं जनाब, वो नकी साहब के तकी साहब क्या उनका नाम है, कभी वो छेछ निकाह की परमिशन दे रहे हैं, कभी ये जाफरी साहब आ जाते हैं, ये झूठ बांध बांध के लोगों का ये तो होगा और ये कत्ल होगा और वो कत्ल करके फिर उठ के जिंदा हो गए, और फिर ये कभी मदनी साहब जैसे। इन लतीफों से बचें और खुदा रहा इनको ना सुना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप क्यों मुझे सुने और उनको ना सुने, मैं ये चाहता हूँ कि जहां से आपको दुरुस्त इन्फॉर्मेशन मिलती आप वो लें। सस्ती शोहरत से खुद भी बचें, मालो दौलत की हवस से खुद भी बचें, और इन लोगों से भी परहेज करें जो इन लोगों इस चीजों के पीछे पड़े हुए। कुरान मजीद की आयत मैंने आपको सुना दी, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर की तुम्हें कब्र तक खींच ले आइए, इस नशे की दौलत की नशा जो हवस है ये तुम्हें कब्र तक ले आइए। तो मेरा भाई आखिरत की फिक्र करें, पैसे को और शोहरत को छोड़ दें, जो आपका नसीब है वो आपको मिलके रहेगा। कोशिश करना, हीला करना इंसान के इख्तियार में है। वजाहिदु फी सबीलिल्लाह, हमें अपना जो है वो इसके लिए अल्लाह की राह में जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, लेकिन दो चीजें नहीं करनी, दीन के ऊपर आके कभी खरीदो फरोख्त की बात नहीं करनी और दीन के नाम के ऊपर शोहरत कभी नहीं हासिल करनी। ये मेरा भाई आज का पैगाम है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तबारक ताला मुझे और आपको सुन सुना कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।